हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हम प्रॉपर्टी आप लोगों के लेके आए हैं वो है इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, जो कि रहने वाले हैं हमारे ओमैक्स फेज़ वन एंड फेज़ टू में, जो कि बिल्कुल आपके लिए रेडी टू मूव ऑप्शंस रहने वाले हैं। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ फ्लोर्स हैं जो कि नियर टू पोजिशन है एंड कुछ अभी कंपनी ने नए लॉन्च भी किए हैं। तो हम सब लोकेशंस देखेंगे, सब ऑप्शंस देखेंगे हमारे पास क्या क्या आज की डेट में अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा ओमैक्स फेज़ वन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेलेस्टिया रॉयल एंड हमारे सामने हमारा है सेलेस्टिया ग्रैंड। तो आपको ये ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाती हैं ओमैक्स फेज़ वन में। एंड इसके अलावा हमारे पास कुछ अपकमिंग यूनिट्स हैं जो कि आ रहे हैं इन फेज़ वन। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स, सामने हमें मिल जाता है हमारा नेचर पार्क जो कि ओमैक्स फेज़ वन में रहना वाला है। फेज़ वन का फ्रेंड्स सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पे मार्केट जो है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगी, आपका जो क्लब हाउस है वो वॉकिंग डिस्टेंस पे मिलेगा। एंड आप रोड साइज़ देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छे रोड साइज़ आपको देखने को मिलेंगे। कंप्लीट कॉन्क्रीट यहाँ पे आपको रोड्स देखने को मिल रही हैं एंड ग्रीनरी भी आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये आ जाती है हमारी लोकेशन सेकेंड जो है हमारे फेज़ वन में ही ओमैक्स में। एंड ये आप देख सकते हैं जहाँ पे हमारे न्यू जो फ्लोर्स आ रहे हैं वो लॉन्च हुए हैं। सो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे उनकी कंस्ट्रक्शन का काम जस्ट स्टार्ट हो गया है एंड विद इन 3 इयर्स इसका जो है पोजीशन टाइम रहेगा। बहुत ही प्राइम लोकेशन है, सामने आपको शिवालिक हिल्स का व्यू रहेगा। एंड जो लोकेलिटी है वो आप देख सकते हैं, ऑलरेडी फैमिलीज आर लिविंग एंड रोड्स भी देख सकते हैं ऑलरेडी यहाँ बन चुकी हैं। सो एवरी फैसिलिटी अगर जो हम बात करें आज की डेट में वो ऑपरेशनल है फेज़ वन में। तो सबसे बड़ा जो फ्रेंड्स प्लस पॉइंट है वो यही है। एंड अगर आप प्लान कर रहे हैं कुछ नियर फ्यूचर के लिए तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। ये आपकी लोकेशन रहने वाली है, आप देख सकते हैं कितनी प्राइम लोकेशन है। सो फ्रेंड्स, एक ब्लॉक हमारा यह आ जाता है और जो कि सेलेस्टिया रॉयल है। ये आप देख सकते हैं ये भी ऑल रेडी टू मूव अपार्टमेंट्स हैं। एंड इसी के साथ फ्रेंड्स आ जाता है एक पार्क और, ये आप देख सकते हैं कितना ग्रीन पार्क आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। एंड फ्रेंड्स अभी हम बात कर लेते हैं साइजेस की। तो साइजेस की जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइजेस जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं 3 BHK है मिनिमम। एंड इसका जो साइज़ रहने वाला है दैट इज़ 1180 स्क्वायर फीट। एंड उसके बाद हमारे पास 1600 स्क्वायर फीट के आ जाते हैं, 1600 स्क्वायर फीट के, 2000 स्क्वायर फीट के एंड 2400 स्क्वायर फीट के, जिसमें कि हमारे पास ऑप्शन रहती हैं। सो ये आप देख सकते हैं ये कंप्लीट आपका ग्रीन पार्क, ग्रीन एरिया रहने वाला है। एंड इसमें जो फ्रंट कंसेप्ट है हमारे पास वो G+2 है, जिसमें कि आपको सिंगल गाड़ी की पार्किंग मिलेगी। एंड उसमें हमारा दूसरा कंसेप्ट है वो Stealth+3 एंड Stealth+4 का है, जिसमें आपको कवर्ड पार्किंग मिलती है विद लिफ्ट, दो गाड़ियों की पार्किंग। एंड यहाँ इस पार्क में फ्रेंड्स हमें मिल जाता है ये ओपन जिम, ये आप देख सकते हैं ये ओपन जिम रहने वाला है आपका। ग्रीनरी आप देख सकते हैं कितनी लश आपको यहाँ मिल रही है। एंड यहीं से फ्रेंड्स अगर हम बाहर की ओर निकलें तो हमारे यहाँ पे सिल्वर बर्च की ऑप्शंस भी आ जाएगी, जैसे कि मैंने बताया उसमें आपको जो है G+2 का कंसेप्ट रहेगा। ये हमारे सेलेस्टिया ग्रैंड आ जाते हैं, अगेन इसमें आपको जो है वो रहता है Stealth+3 का कंसेप्ट। एंड इसी के जस्ट साथ हमारे लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स आ जाते हैं सिल्वर बर्च के, जो कि आपके रहेंगे G+2 विद ओपन कार पार्किंग। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा मेन गेट आ जाता है जहाँ से हमारी एंट्रेंस है। एंड एंट्रेंस के साथ ही आप देख सकते हैं अपार्टमेंट्स कुछ रेडी हो चुके हैं, कुछ रेडी हो रहे हैं। सो आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। स्पेस में अगेन आपको नोटिस कराना चाहूँगा, विद वन बिल्डिंग टू अनदर बहुत ही अच्छा स्पेस है, तो काफ़ी एरी रहने वाला है। एंड अभी कुछ अपार्टमेंट्स हैं जो फ्रेंड्स कंपनी ने अभी जस्ट लॉन्च ही किए हैं, जिनका पोजीशन नेक्स्ट 3 इयर्स में रहने वाला है, तो आप उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें। एंड अगर आप रेडी टू मूव देख रहे हैं तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं, विद इन 1 ईयर आपको चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, आप हमें कॉन्टैक्ट ज़रूर करें।